ये हम ऐसी जगह फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसी जगह भी होती है। ये देखो जंगल बना हुआ है पूरा, ऐसा लग रहा है कनाडा में आ गए। ये क्या है, 1951 का है ये, और अंदर से देखें इतना पुराना नहीं है बिल्कुल। सो गाइस ये कौन सी जगह हम आ गए, ये क्या बना हुआ है, ये इसकी आंख नजर आ रही है ऐसा लग रहा है। ये खाली जगह ऐसे यहाँ पे क्यों है? तो आज हम आए हैं प्रॉन के घर, कच्चे जमाने में ये है कराची कस्बे में प्रॉन है। मुझे लगा कि मैं ये छतरी उठा लूंगा तो गीला नहीं होऊंगा, मगर फिर भी मैं गीला हो रहा हूँ। हो कॉपीराइट लग जाएगा इस पे, ये इस पे अजीत सिंह पे। बीच रोड पे बैठ के मैं पिक्चर निकलवा रहा हूँ। ये हंस रहा है, कैसी है ये? अबे ये क्या था? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी, और मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। ये देखें बादल ही बादल, और दो स्टूडेंट भी आ चुके हैं हमारे साथ, और अभी तक क्लास स्टार्ट हुई नहीं है और क्लास बंद है, तो 10:30 बजे क्लास होगी। और यहाँ हम कैंटीन से बाहर निकल के, वहाँ कैंटीन थी तो हमने सोचा यहाँ आ जाते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। बारिश के बाद यूनिवर्सिटी जो है बहुत हरी भरी हो चुकी है, देखें घास भूस उग चुका है। और यहाँ पर ये कपड़े कौन फेंक के गया है, मैन वर्सेस वाइल्ड जो होता है वो बन गए हैं हम। यहाँ पे देखें कौन सा दरख्त है, लगता है इसमें सांप भी हो सकता है। ये बहुत ही ख़तरनाक इलाका है, और यहाँ पे मैं तकरीबन 4-5 घंटे से रुका हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं कोई आदमी ज़रूर मिल जाएगा, कोई घर मिल जाए। और यहाँ कुछ ही देर में बारिश भी होने वाली है, और अपने लिए कुछ शेडो ढूंढना पड़ेगा, तो जगह ढूंढ दे कोई अच्छी जगह। ये देखें पहाड़, सबसे बड़े पहाड़ ये हैं, ये USA के पहाड़ हैं। उल्टी जल्दी। अच्छा फोटोग्राफी चल रही है। ये तो कांटे हैं, हिंदी में इसको हम बबर बोलते हैं। ये कौन सी फोटोग्राफी है? है फोटोग्राफर बड़ी मुश्किल से फोटो निकालते हुए। हो गया। फाइनली वापस आ गए पहाड़ी से, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया, फोटोग्राफी हो गई। तो गाइस बीच रोड पे बैठ के मैं पिक्चर निकलवा रहा हूँ। कैसी है ये? अबे ये क्या था? दोबारा से निकालो। देखो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, एक यहाँ से गाड़ी आ रही थी वो भी रुक गई, ये भी गाड़ी आ रही थी रुक गई, और मैं इधर आ गया। इधर भी ये कैमरा इसको रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। सिनेमा पीछे से रेवड़ आ रहे लोग। जुम्मा यार आपकी नसीब मेरी है, जब भी बैठो गाड़ी आ जाती है। आज मेरे पहले ही निकल गए थे। सो गाइस पिक्चर निकाल ली है इसने, देखते हैं कौन कौन सी निकाली है। देखिए ये निकाली है, ये बहुत अच्छी आ रही है पिक्चर। ओहो बहुत अच्छा कैमरा इसका, कौन सा मोबाइल है ये? Redmi Note 12 का ये कैमरा है, नाइस। गाइस जब तक क्लास नहीं होती तो हम इस कैंटीन में बैठे रहते हैं 10:30 बजे तक। 8 बजे तो आते हैं ये दोनों, सबसे पहले ये आते हैं फिर मैं आता हूँ। क्या हुआ? गाइस मोबाइल से मेरे को फोटोग्राफी आ गई है, कैमरा मेरे पास है तो मैं खोलने लगा हूँ अपना। क्या बोल स्टूडियो
ओह माय गॉड, मतलब फेमस होने वाली है। एडवांस पेमेंट भेज दो। ये 2-3 दिनों से अपना कैमरा बंद ही नहीं कर रही, तब से चल रहा है, जब भी बैठो ऊपर नीचे आगे पीछे सब फोटोग्राफी चल रही है। मौसम बहुत अच्छा है ना, इसलिए इसकी फोटोग्राफी और अच्छी होती जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखी, बहुत ही अच्छी है इसकी वो है फोटोग्राफी। एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज। नाम तो बता दो, कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करती है। और लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस अभी आधा घंटा है क्लास में, तो हम सोच रहे हैं थोड़ी बहुत स्केचिंग कर लेते हैं, क्विक ड्राइंग जो होती है वो पेन से हम करेंगे। स्केच बुक निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं। और एक आर्टिस्ट और भी है यहाँ पे, वो भी दिखा दिखा। वैसे ये है कौन यार? ये मार्शल आर्ट मास्टर है। अच्छा हाँ, वो जो फाइट करते हैं, ये देखो। वाओ नाइस, वाओ क्या पेंटिंग है। यहाँ पे घोड़ा था और घास थी, चला गया। ये मैंने अपनी मर्दाना बहन बनाई है, और ये भी मैंने अपनी मर्दाना बहन बनाई है। ये भाई लग रहा है, आप खुद गैस करें जो कि गलत बनाया है। ये किंजा फोटोग्राफर लग रही है। किंजा तुम्हें बनाया मैंने। ये देखें जी, मेरे स्केच बुक से देख के बना रही हैं, कॉपी कर रही हैं। अभी नहीं दिखाएंगे, जब बन जाएगा फिर दिखाते हैं। लगता बन गई है फाइनली, लेट्स सी। कॉपीराइट लग जाएगा इस पे। ये कौन सा वाला ऐसे बना है? ये तो इसके पांव जमीन पे ना, मैंने पांव हवा में डाले हैं। तो इसके भी हवा पे है? कौन से जमीन हवा पे? नहीं है, इसके पांव ये जितने भी दिख रहे हैं सब हवा में। इसके पांव हवा में नहीं है, इसके पांव जमीन में है। देखो देख के लग रहा है, और ये गुलाटी मार रहा है, जैसे ये गुलाटी मार। ये पोर्शन में डाला है इसको। जनाजा उठाओ, कोई मर गया। इसकी बॉडी देखो कितनी कर्व है, और अपने नहीं उड़ा ना कर्व, मतलब महसूस नहीं हो रहा कि वो चीज तुम जो बना रही हो, तो पता नहीं लग रहा कि मैं कैसे बना रही हूँ। हाँ कॉपीराइट लग जाएगा, नजर नहीं आ रहा कहाँ। हाँ अब सही है, कॉपीराइट लग जाता। अब मैं एक चीज दिखा दी। समझ गया। नहीं उसने लात मारी और उड़ता हुआ बंदा जा रहा है। नहीं सॉन्ग पे डांस कर रहा है। सो गाइस अभी मैं बना रहा हूँ। ओ गया ये क्रैपिंग। तो गाइस ये देखे मैंने 3 मिनट में ये बनाया है मोबाइल से देख के, अब लाइव बनाएंगे किसी बंदे को देख के। यहाँ नजर नहीं आ रहा कोई, यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं बैठा जिसको देख के हम बना सके। बैठना है? चलो ये मॉडल बन जाती है तो ये बना। अरे दूसरी टांग कहाँ गई? फाइनली मैंने बना लिया आयरा को, देखो कैसी लग रही है। बहुत छोटा बनाया है, बस प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें बनाते हैं, क्विक ड्राइंग होती है ये। 2 स्टूडेंट और आ चुके हैं, और 2 स्टूडेंट आगे फिर दोबारा पहाड़ी पे एडवेंचर करने गए हैं। और मेरा बैग देखो कैसे दरख्त पे लटक रहा है। दोनों तो बैठते ही नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर इनको पता नहीं क्या हो जाता है, फिर दोबारा इंजॉय करने जाते हैं, पहाड़ी पे चढ़ने जाते हैं। ये कहाँ जा रही हो पुष्पा? ये भी आ गए। बच गया, चश्मा भी ले रहे। इनको पता नहीं क्या मजा आता है यहाँ पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, और जगह इनको मिली नहीं, तो इन लोगों ने सोचा कि यहीं पे पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं। चुन्नू चुन्नू से पहाड़ है यहाँ पे भी नहीं चढ़ पाएंगे मेरे ख्याल में। देखा मैंने बोला था ना, पहाड़ों पे छिपकली भी मिलेगी। हम इस पहाड़ों पे बहुत ही ज्यादा देर से घूम रहे हैं, तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं हम इस पहाड़ी पे भटक रहे हैं, और अभी तक कहीं से भी कोई घर नजर नहीं आ रहा। और पानी खाना हम लोग
तो पाकिस्तान में हम ऐसे ही सर्वाइव करते हैं। आगे चलते हैं पहाड़ों पे। हाँ हाँ, ये देखें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस इलाका है ये, और यहाँ पे हमें बड़े बड़े ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सांप भी मिल सकते हैं, और ये देखें मम्मी डैडी भी आ चुके हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है बहुत ही ख़तरनाक इलाका है ये, यहाँ पे वो जंगली लोग भी होंगे जो शिकार करते हैं। तो गाइस जो हम यहाँ इस पहाड़ पे खड़े हैं, ये तकरीबन 200 फीट ऊंचा पहाड़ है, बहुत ही मुश्किल हुई यहाँ पे चढ़ने पे। पाला पाला ये गिरी, बहुत ही खतरनाक पहाड़ है और गिरते हुए बहुत ही मुश्किल से नीचे उतरी है। ओह गाइस 10:30 बज चुके हैं, तो अब चलते हैं क्लास में, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और बहुत एंजॉय हो गया, तो अब चलते हैं क्लास में थोड़ा बोर होने के लिए। क्या हुई, इसकी पिक्चरें ख़त्म ही नहीं हो रही। ओए होए होए होए, बाय बाय टाटा। आज जो है जुमा है और आज क्लास जो है ड्राफ्टिंग की है, थोड़ी सी बोरिंग क्लास है, देखते हैं जल्दी ख़त्म हो गई तो फिर और एंजॉय करेंगे, यूनिवर्सिटी थोड़ा और घूमेंगे। इसकी फोटोग्राफी ख़त्म नहीं हो रही। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं क्लास में। सो गाइस लेक्चर हो चुका है, अब बाहर आ गए हम, तो प्रिंट करवाने जा रहे थे तो अचानक से बारिश हो गई। ओए होए होए, अब हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो प्रिंट भी गीला हो जाएगा। तो हमारे साथ हमारे क्लास फेलो भी आ रहे हैं, चलो बारिश तेज हो जाएगी। वाह, इनके पास पिंक छतरी भी है। ओ यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पानी है। ओए हुई हुई, वहां से चलते हैं। हुई 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 हुई, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा तेज बारिश होने वाली है, हम तो बिल्कुल भीग जाएंगे। और ये बॉक्स जो लेके आई है ये भी भीग जाएगा, इसका खराब हो जाएगा। ये कहाँ जा रही है, पागल वागल हो गई है क्या? ये तो कितना लड़ते हैं ये दोनों। ओहो यहाँ पे किले आर्ट पड़ा हुआ है। हुई हुई नाइस, ये अपना पैकेज जो है यहाँ पे रखनी है ये शॉप में, वरना भीग जाएगा। ओए होए होए होए, बारिश के बाद यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। देख यहाँ पे भी पानी भर गया। ओहो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। तो गाइस मुझे लगा कि मैं ये छतरी उठा लूँगा तो गीला नहीं होऊंगा, मगर फिर भी मैं गीला हो रहा हूँ। पता नहीं ये छतरी यूज़ क्यों करते हैं। हैं, आपने पिंक पहना है? पिंक नहीं पहना, पिंक अम्ब्रेला है। समझता नहीं है, बात को आ जाता है, रात को फिर बोलते हैं अंधेरा है, ऐसा करेगा तो कौन आएगा, नंबर देगा तो कौन आएगा। ओए होए होए, क्या मौसम हो चुका है, घूमने वाला मौसम है भाई, एंजॉय करो आज। तो गाइस फाइनली हम आ गए दूसरे डिपार्टमेंट, तो यहाँ प्रिंट करवाने आ गए। ये रहा प्रिंट वाला, तो सारी पिक्चर मैंने इसको सेंड कर दी, अब ये प्रिंट निकलवाएगी खुद ही। एक डिपार्टमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, फाइनली प्रिंट निकलवा लिए हैं। ये किसी और का है। अब बारिश भी रुक गई है, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी वो भी रुक गई है, अच्छा हुआ अब प्रिंट ख़राब नहीं होंगे। गाइस फाइनली हम अपने डिपार्टमेंट पहुँच गए हैं, तो यहाँ से अजमल भाई से जो शीट लेनी थी वो शीट ले ली है, अब ये दोनों ले रहे हैं, तो फिर चलते हैं क्लास में। हम क्लास में तो आ गए, मगर क्लास के अंदर जो है बहुत ही अंधेरा है मौसम की वजह से। अभी क्लास ख़त्म हो चुकी है और अभी हम सोच रहे हैं कि एंजॉय कर लेते हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम सब। और यहाँ पे सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, इनकी फोटोग्राफी ख़त्म नहीं होती। और ये देखें हमारा डिपार्टमेंट, बादल देखें कैसे लग रहे हैं, ये क्या बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हमने फोटोग्राफी की, बहुत एंजॉय किया, यहाँ हम पहले आए नहीं थे तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर रुके, फिर अब जा रहे हैं, देखते कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ थी चढ़ने के लिए। तो गाइस
आज हम आए हैं फ्रॉन्ट के घर, कदीम जमाने में ही है कराची इंडस्ट्री में फ्रॉन्ट है, मतलब वहाँ असली वाला फ्रॉन्ट नहीं लेकिन यहाँ के फ्रॉन्ट यहाँ पे। कौन से वाले फिर कौन से वाले ये लग रहा है फ्रॉन्ट का घर, ये तो नहीं लग रहा, ये तो हुए 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 खाली मैदान। ये देखो दीवारें कितनी पुरानी है, 5000 साल पुरानी ये दीवारें हैं। और ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं। और ये देखो शीट के साथ एंजॉय कर रहा है। ओए ओए कदीमी जमाने का पत्थर, उधर हमें ओ ये तो लोहे का है, उधर हमें एक रूम दिखा जल्दी जल्दी। कौन सा क्या है क्या है क्या है, जल्द भूत है क्या है क्या है क्या है क्या है, इसने इसने अपने आप को देख लिया आज, मैंने उसको देखा, मेरी हालत खराब हो गई, इसने अपने आप को देख लिया, ऐसी